गुज्जर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़ गए हैं। गुज्जर समाज के लोगों का कहना है कि मांगे पूरी ना होने तक संघर्ष करते रहेंगे। आपको बता दें कि बयाना के पीलूपुरा में बैकलॉग की भर्तियां समेत 6 मांगों को लेकर गुज्जर समाज के लोग कड़ाके की ठंड के बाद भी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। गुरुवार को मंत्री अशोक चांदना ने भी गुज्जर समाज से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। उम्मीद है कि शुक्रवार को सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि फिर बात करने ट्रैक पर पहुंच सकता है। उधर राजस्थान में हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है। गुज्जर अलाव के सहारे ट्रैक पर बैठे हैं। कुछ के लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था की गई है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ अलाव के सहारे ही रात गुजार रहे हैं। वही इंटरनेट सेवा शुरू करने की कर्नल बैंसला की अपील और आंदोलन खत्म करने की पंच पटेलों की अपील भी बेअसर साबित हुई। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार प्रशासनिक अफसरों के साथ उनकी मांगे पूरी करने के आदेश की कॉपी भेजे, इससे पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा, भले ही हमें ट्रैक पर दिवाली मनानी पड़े। इन सब के बीच सरकार से समझौता करने वाले पंच पटेल एक बार फिर शेरगढ़ गांव में एकत्रित हुए, जिन्होंने कर्नल बैंसला से ट्रैक छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला समाज के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन उनके बेटे विजय बैंसला का नेतृत्व बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में उससे बड़े कई लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। यह आपको बता दें कि राजस्थान में गुज्जर समुदाय से जुड़े लोगों ने उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग फिर से उठा रखी है। कई प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रेन की पटरियों पर बैठ जाने से रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। गुज्जर समाज के लोग 2007 से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार आंदोलन किए हैं, जिनमें कई बार स्थिति अप्रिय भी हो गई थी और हिंसा भी हुई थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.